واذكر اسم ربك واقبض اليه تبطيلا رب المشرق والمغرب لا ينفطر وكيلا واصبر على ما يقولون بهجر وحزن وظهرين وجنبهم قليلا ان لدينا انكالا يسقي وسقي عذابا عليما يوم تأخذ مذيبا لكان فرصنا مهيلا إنا أرسلنا إليهم رسولا شهيدا بهم كما أرسلنا إلى فرعون الرسول فأتى فرعون الرسول فأخذنا خدمه بلا فقيت فقتلنا تخدم يوم يجن التنشب تختم بها كان ود مفعولا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة اتخذ الرب سبيلا إن ربك يعلم أنك تخدم خمسة بل نصف وثلث ثم الطائفة من الذين معك والله يا الله ربك ان حارج من تسقط منه فاخر ما بيتمخم السلاد وهاتوا الزكاة واخرجوا الله خرجا حسنا وما تقدموا لكم من قبل تبدو عند الله خيرا معزما جرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم الله يشهد ان عالم الكون يشهد ان مبدل من المعصيه وفي الغالب जलाओ उसके अंदर तेज से आग लगाओ जकड़ लो उसको और तेज एक साथ में कैसा करूं रे काट के अब दो टुकड़े करूं हाँ दो टुकड़े कर देता काट के हाँ जोर से दो टुकड़ा कर देता काट के पूरे तू क्यों तकलीफ दे रहा था उसको गला गला के मार दो बोले गला बोले
जादू घर कौन से रूम का है? कहाँ की? कहाँ की? कौन से गांव की? हाँ कौन से गांव का? अच्छा नुसरत का क्या लेके गए थे जादू चला के? तुम कपड़ा बाल मट्टी चप्पल क्या लिए थे? मेरे बाल लेके कौन लिया था? नुसरत कहाँ मिले उसके बाल? कब लेके गई? कितना टाइम हुआ ली जाके? हाँ कितना टाइम हुआ ली जाके? एक साल से जादू चला रही थी बड़ा, अब मुसत करीब आ गई और इसके मरद पे भी चलाए गए जादू। हाँ मरद पे, बच्चों पे, घर में किस पे करे? और मेरे बड़े बेटे पे भी। हाँ और एक साल छह महीने कितना? अच्छा तुझे शमशान से पकड़ के लाए, कब्रिस्तान से लाए, वीरान जंगल से लाए? वहाँ एक वीरान जंगल है। हाँ। और 500 का डीग है, 2000 और 500 के नोटों का डीग है, किसी ने उनको दिया है, कहा ये मेरे पैसे है, इनको करो तुम। हाँ। और दूंगा मैं, कम गिरे तो अभी इतनी काफी है। अच्छा नुसरत पे जादू चला आई जिसने, उन्हें कितने पैसे दी जादूगर को? इतने दिन कितने पैसे देके नुसरत पे जादू करे वो? नहीं पता मेरे को, ऐसी पोटली बंद कर, पोटली बंद कर दिए उन्होंने। अच्छा। कि नहीं थे वैसे दे दिए वो लोगों ने। अच्छा उसके सामने और कौन मिला ला जादू करने को? और कौन कौन है खानदान के लोग उसके साथ में? और कौन कौन मिले आला है क्यों यहाँ के लिए? वो दोनों है, राबिया और तस्लीम है। राबिया और तस्लीम है, उन लोगों को मेरा भरोसा नहीं आ रहा। मन ये सच है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। मार मार के खत्म कराओ ये माला, जल्दी लाल के उसके पेट में जो दवा अटके लिए
जुलाब और उल्टियों के अंदर निकालो वो तेज के साथ में। ये जो मसले है मसाइल ये बलाएं दो तीन किस्म के अलग अलग करते हैं, जिन्नात अलग है, उसमें शैतान है, मसल अलग है, कुछ मसले बदरूहें अलग है, फिर जादू टोने के बार अलग है, फिर दवाएं तीन किस्म में रहते, कोई कलेजे पे जाती की बढ़ती, कोई पेट में रहती, कोई दिमाग पे चढ़ जाती, जिसकी दवा दिमाग पे चढ़ जाती वो पेशेंट ऐसा लगता कि डिप्रेशन का शिकार बन जाता हो, और लोग उसका समझते कि पागल पागल कुछ भी हरकतें करता, पागल बातें करता, लेकिन वो उन्हें खुद के बस में नहीं रहता, दूसरा कोई कंट्रोल करता, ये समझ जाना ये दास्तान है, तरीके है, तो जैसा फिर उसके तरीकों से अमल करेंगे अल्लाह जो तुमसे सब कटता और कट के फिर पलट के सब राइट में डाल दे। लेकिन 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 सब लोगों को मैं इतना ही कहूँगा कि ये ऐसी हरकतें नहीं करना, तुम अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो तुम्हारी नस्लें बिगड़ जाती, नस्लें बिगड़ जाती, नस्लें अगर एक दूसरे को जादू टोना कर रहे तुम्हारी दुनिया गई, आखिरत बर्बाद हो गई, दुनिया बर्बाद हो गई, सब बर्बाद हो गई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जादूगर के पास जाता वो हमें से नहीं है, वो हमें से नहीं है, और जादूगर भी हमें से नहीं है, मैं उसकी शफात भी नहीं करूंगा आखिर के दिन, तो फिर किस कर देंगे तुम शफात करते, सारे नबियों के नबी मोहम्मद पूरे नबियां शफात करते रसूलुल्लाह के पास आने वाले थे, तुमको किस कर देंगे फिर जब उन्होंने शफात तुम्हारी लेके दी, तो इसलिए बेहतर है कि सब बातों से बाज आओ, कि बहुत बुरी है हसद और जलन, अजाजील ने हुक्म खुदा ना माना तो यूं हो गया जलील, लानत का तौफ अपने गले में पिना दिया, इतना बड़ा फरिश्ता था कि जहां रूए जमीन है उन पर कहां से जमीन के सातों तबक जमीन पर तक कोई हिस्सा नहीं है, जब उन्होंने अल्लाह के वास्ते सजदा नहीं करा, अजाजील ने सजदे करा, इतनी इबादत करा, तो इबादत से उसके दर्जात बुलंद हुए, मुकामात उसके बुलंद हुए, और फरिश्तों का सरदार मुकर्रर कर दिया गया, बाद में उन्होंने एक नाफरमानी करा तो उसको मर्दूद का लकब मिला, और मर्दूद का लकब मिलने के बाद में उसको क्या आलम है, अलग क्या दास्तान है, फिर तुमको तो पता ही चलेगा, तुम अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो तुम्हारे बच्चों पर क्या सीख पड़ेगी, तुम्हारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे जो है तो आने वाली तुम्हारी नस्ल है, तुम्हारा आने वाला एक नाम लेके चलेंगे खानदान का, तुम अगर ऐसे हरकतें करेंगे तो फिर तो तुम्हारी पूरी नस्ल ही बर्बाद हो जा रही, सभी बिगड़ जा रहे, सभी खराब हो जा रहे, ना बोलते नहीं क्या नस्ल ही हराम ज्यादा, यानी कि नस्ल से खराब इंसान, तो तुम फिर अबू जहल के औलादों के जैसे हो गए, अबू जहल अबू लहब इनकी जो औलादें होंगी दुनिया में, जो यजीद तो इनके भी तो औलादे होंगे ना, इनके नाजायज जायज जो भी औलादे होंगे, तो ये लोग भी नाजायज थे तो इनके औलादे भी कुछ नाजायज करेंगे ना, और इमाम हसन इमाम हुसैन और अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन इनकी भी तो औलादे है दुनिया में आज भी, उनके जो नेक बख्त औलादे वो आज भी दुनिया को फैज पहुंचा रहे, और जो कम वक्तों के औलादे है जो यजीद के इनके उनके नालायकों के उनकी औलादे दुनिया को जहमत भी दे रही है आज भी दुनिया में रहेंगे, इसलिए तुम उनके सफों में कतारों में बाप दादाओं के तुम्हारे नक्शे कदमों के मत चलो, शर्म करो और अल्लाह से दुआ करो, और ये ऐसे सब वबाओं से अल्लाह की पनाह मांगो, देखकर मजे मत लो और हंसी मत उड़ाओ कह रहे रे क्या है ये क्या हो रहा, ऐसा नहीं, अल्लाह की पनाह मांगो ये वबा से, ये वबा अभी अगर घेर लिया अल्लाह तो नहीं घेरता, तुम्हारे आमाल और तुम्हारे चाहने वालों ने तुम पे जादू टोना कर लिए तो कहाँ जाएंगे निकालने के लिए, धर बदर किसके दर को चौका को करते फिरेंगे तुम, झाड़ुआ मारते हो किसके चौखटों को, तुम वो करिए कहाँ तुम जाएंगे, पैसा तुम्हारा कौन तुम्हारा फैस देगा, फैस देने वाली जात अल्लाह की है, और अल्लाह की पनाह मांगो ये सब चीज़ों से, पनाह में रख अल्लाह तेरी ये सब वबाओं से, ये सब बीमारियों से, ये आफतों से, ये बहुत बुरी और गलीज और बहुत ही फितना अंगेज बहुत भयानक चीज़ें हैं ये, तुमको अगर लग गई तो तुम्हारी दुनिया सब बर्बाद कर दिया, और लगाने वाला ये मत सोच कर जादू टोना करो एक दूसरे के ऊपर कि हम चला दे रहे बदले ले, अभी कोई निकालने वाला जब मिल जाता ना तो तुम्हारा तुम पे वाहन पलट के पड़ते, ये भी बात याद रखना, सबसे पहले जादूगर मरता, डायरेक्ट बायकॉट कर देते जादूगर का, मर जाता खत्म हो जाता, कब निकालने वाला अगर असल मिल गया और पलटाने वाला अगर असल बाप का निगाह ना तो सबसे पहले जादूगर को मार पड़ती, पहले तो उसको दो तीन मौके देते बचने के लिए, वार जब पलटते तो सुधर जा नहीं सुधरती फिर फट बोल के उसका पत्ता कट जाता, डायरेक्ट उसको वार उस तक पलट के जाता उन्हें मर जाता, उन्हें मारा कि उसके बाद जिसने कराया उसके जाके उन पे वार पलट के पड़ते, क्योंकि रूहानियत की दुनिया भी तो ये भी तो उनको छोड़े आले रहते जो काम के लिए उठा कर पैदा करके, तो उन्हें सुनते नहीं, उन्हें बहुत जाहिल रहते, उनको जो मकसद के लिए उठाए वो मकसद काम करने को जा रहे उनको वहां मार पड़ी समझो निकालने की जगह, दोनों क्या करते पिछले पैदा करा जाकर उसको मार कर पलटते उल्टे वार पलटते, बहुत अलग अलग खेला है तुमने बता कि उसमें जादूगर मरता डायरेक्ट बाय कट हो जाता मर जाता, उसके बाद में फिर
जो इला जो कराते उन पे मारा पड़ते, उन पे मारा पड़े तो उनके बहुत बुरे एले होके सड़ सड़ के मरते। इसलिए अल्लाह की पनाह मांगो ये सब चीजों से, अल्लाह तेरे पनाह में रखना। तुम अगर इबादत करने वाले बन जाएंगे तो हथेली पे सराई रख कर सब तुम हथेली में रही के दाने को देखते, फिर अल्लाह तुम्हारा को वैसा देखता। तुम अगर इबादत करिए दावी करते, और जब अल्लाह तुम्हारा निगेबान है तो फिर कौन तुम्हारे को जहमत दे सकता जब निगेबान होगा। है किसी की हिम्मत, है किसी की ताकत जो अल्लाह के सामने आकर खड़े हो जाए? क्योंकि पता है ना नमरूद ने कैसा बोला था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जा तेरे खुदा से कह दे कि इब्राहिम से, इब्राहिम जा तेरे खुदा से कह दे कि नमरूद का कहर तेरे खुदा पे नाजिल हुआ, नौज बिल्ला। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ठीक है मैं बोलता लग, तेरे खुदा से कह दे, बोले कि नमरूद के साथ जंग करने को तैयार हो जा। तो उन्होंने ठीक है मैं जाके बोलता लग, तो इन्होंने अल्लाह को जाके बोले कि अल्लाह मेरे मालिक नमरूद बोल रहा आपकी भी फौज तैयार कर दे, मेरे मालिक तेरी भी फौज तैयार कर दे, वो नमरूद बोल रहा तू जंग करने को आ रहा। अल्लाह ने बोला ऐसा ठीक है, 18,000 मखलूक में से सबसे अदना वो आला मखलूक को हुक्म दिया अल्लाह ने, मच्छर जिसको रगड़ देते लोग करके, तो मच्छर में से भी लंगड़ा फाइक मच्छर को हुक्म दिया जाओ, उसकी तरह मजा चखाओ। शहनशाहत और बादशाहत और जिल्लत वो इज्जत सब अल्लाह ने दिया अली, उसको इतनी बड़ी इज्जत का मरतबा दिया था कि लोग दाखिल होते थे तो सजदा करके दाखिल होना पड़ता था नमरूद को पहले। बाद में जब मच्छर उसके नाक में जाके बैठा था, जो भी शख्स दाखिल होता था उसको जूता मारते थे उसके सिर पे 10 जूते मारना फिर शहर में दाखिल होना, क्योंकि जूता मारने के बाद ही मच्छर खामोश बैठता था, जब तक खामोश नहीं बैठता जूता नहीं मारे घूम 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 करता था दिमाग में कि उसको चकना आते थे, जूता मारना पड़ता था। कितना भी जलील होके मारा पैसा है, ऐसे हरकतें मत करो, बाज आ जाओ बाज आ जाओ, बाज आएंगे तो तुम्हारे कैसा रहता हसद और जलन सब में है, मगर वो जलन पे जिसने काबू पा लिया, हसद पे जिसने काबू पा लिया तो उसने अपने नफ्स पे काबू पाया, नफ्स है ना, और तुम नफ्स के ऊपर अगर कंट्रोल करेंगे तो तुम जन्नत के हकदार है, और तुम नफसी नफसी करेंगे नफ्स के साथ मिलके, जो तुम्हारी नफ्स बोल के वो खर्चा कर रहे हैं, नफ्स बोल के पिक्चर देखो सो जादुआ करो लोगों पे टोने 12-12 बजे तक नींद में से उठो फजर मत पढ़ो नमाजा कमा दो, तो फिर तुम अपने नफ्स पे तुम्हारी नफ्स तुम पे काबिज हो गई, और तुम्हारी नफ्स तुम पर जब हावी हो जाएंगी तो फिर तुम्हारे जरूर जहन्नुम मुंह के बल घसीटता वाली जाकर आएगी। और तुम अगर अपने नफ्स का कत्ल कर देंगे इबादत करके ये सब करके उसको मार देंगे तो तुम्हारी नफ्स बोल रही है चल पिक्चर देखेंगे, तो उसका उलट करो तुम नहीं चलो नमाज पढ़ देंगे पहले ऐसा, फिर तुम्हारी नफ्स मारेंगे, तुम्हारी नफ्स बोल रही कि चल घूमने का ऐसा करो उसको जादू करो नहीं नहीं उसका और अल्लाह नमाज है उसको हमको भी नमाज देंगे अल्लाह, ऐसा तुम उसका पलट करेंगे तो यकीनन तुम जन्नत के भी हकदार बनेंगे, दुनिया की तुम्हारी बनेंगे आखिरत भी बनेंगी, और तुम्हारी नस्ल भी सुधर जाएंगी दुनिया में और अच्छा रहेगा। और जैसी करनी वैसी भरनी, तुम अगर ऐसी हरकतें करेंगे तुम्हारे बच्चों को भरना पड़ता तुमको भरना पड़ता, कब्र में भरो आखिरत में भरो कि दुनिया में बच्चे भी भरते हैं, अरे बहुत चारों तरफ से आजाब में गिर जाता है इंसान, मजाक नहीं है बहुत सारी बातें तुमको क्या मालूम है दुनिया क्या कितनी बारीकी से क्या क्या बातें हैं, वही मैं तुमको इसलिए बताता कि मेरे को ये सारी बातों का तजुर्बा है और इल्म है, जो मैं देखता वो तुमको अल्लाह थोड़ी दिखाता, और जो तुम देखते हो तो सभी देखते, बहुत कुछ बातें हैं तुमको क्या बयान करना, मैं मेरे तजुर्बे से और प्रैक्टिकल की बातें बताता हूँ सामने ला के कुछ आकर। इसलिए अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह मांगो ये सब चीजों से कि अल्लाह तेरे पनाह में रख, बोलना कोई इलाज वालों के दरों पे मत फिरो, इलाज वाले तुम्हारा तबाह बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उनका फैज नहीं मिलता तुम्हें, फैज सिर्फ अल्लाह वालों के दर से मिलता, एक लम्हा अल्लाह वालों की इबादत, एक लम्हा अल्लाह वालों के साथ बैठना 60 साल की इबादत का स्वभाव है, और एक लम्हा जादूगर के पास जाकर बैठना 60 साल की इबादत रद्द भी हो जाएंगे फिर तुम्हारे, ये सब बातों पर अमल करो, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, और जादूगरों के दर मत जाया करो क्योंकि उनके दर से तुमको फैज नहीं मिलता, फैज अल्लाह वालों के दर से मिलता, बुजुर्गान दीन अल्लाह वाले, और तुम्हारे घर में एक ऐसी चीज रखे वाली है जो फैज की दरिया बहती उससे, वो है कुरान शरीफ, वो लो और वो पढ़ो, क्योंकि उसके सामने तो कोई खतरा बराबरी भी नहीं है फैज देने वाला पहुंचाने वाला, इतना बड़ा कलाम इलाही है तुम्हारे घर में, कलाम इलाही को खोलो पढ़ो उससे मोहब्बत करो उसके तरफ रुजू हो, तो फिर वो जब तुम उसके तरफ तुम्हारा दिल और दिमाग रुजू होगा तो फिर तुम अल्लाह से कनेक्ट हो जाएंगे, और जब तुम्हारी अल्लाह से सकली कनेक्ट हो जाएंगी तो फिर तुम फिर कोई जहमत देने वाली ताकत नहीं है जमीन और आसमान में, क्योंकि पता है ना बुजुर्गान दीन के किस्से पढ़ लो तुमको सब पता चलेगा, और अल्लाह यकीनन बेशक अपनी इबादत करने वालों की हिफाजत करता, जो अल्लाह के लौ में इबादत करते जो अल्लाह के वास्ते इबादत करते जो अल्लाह के लौ में फना हो गया ले उनके वास्ते फिर अल्लाह ऐसी मोहब्बत करता हूँ उनसे बीनते, और जब अल्लाह को जलाल आता देखो उसका जलाल का जरा मैं बयान भी नहीं कर सकता, मैं बोल भी नहीं सकता ये सब बातें, इसलिए तुम अल्लाह की तरफ रुझो, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बनो ताकि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, जब अल्लाह तुमसे तो करता ही है 70 माह की मोहब्बत, मगर तुम खुसूसन हकीकतन मायनों में और हकीकतन तरीकों में उसकी तरफ रुझो ना इबादत करो,
फिर तुम्हारे को कोई ताकत जमीन और आसमान की जहमत नहीं दे सकती। हर चीज अल्लाह की मोहताज है। यहाँ तक कि तुम बोलते ना जानदार भी अल्लाह का मोहताज है, बेजान भी अल्लाह का मोहताज है, टेक्नोलॉजी जितनी निकली ये भी अल्लाह की मोहताज है, हर चीज अल्लाह की मोहताज है, कोई उसके हुक्म के आगे, क्योंकि साइंस इतना आगे बढ़ेगा। आज भी साइंस ये बात बोलता है कि हम कुदरत से टक्कर नहीं ले सकते, कुदरत से कोई टक्कर नहीं ले सकता। आज भी बोलते कौन सी कुदरत की तीन बड़े ताकतें देख लो, सर्च करते हैं आग हवा पानी, तीनों में ऐसी ताकत रखा अल्लाह ने। आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई वर्ल्ड में जिसकी हद नहीं पूरी दुनिया में, लेकिन आज भी बेबस है तीनों के सामने। ये सारे साइंसदानों ने बोले, सबने बोले कि जब भी अपने रूप में आ जाते, जब भी अपने रूप में आ जाते तो आग हवा पानी तीनों से टक्कर नहीं ले सकते, सारा साइंस सब बेबस हो जाता, क्योंकि ओरिजिनल कुदरत की तरफ से जब उनको हुक्म मिलता कहर नाजिल होने का अल्लाह का, जबकि कोई टेक्नोलॉजी नहीं कुछ नहीं कार्य करती कुछ नहीं। इसलिए अल्लाह के आजाब से अल्लाह के कहर से पनाह में रहो और अल्लाह की इबादत में रुजू हो, ताकि वो तुमसे बिनतियां मोहब्बत करे। तो जब अल्लाह तुम्हारा निगेबान रहेगा तो कोई तुम्हारे को जहमत नहीं पहुंचा सकता। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता करे। और अल्लाह के बुजुर्गान दीन को कभी बुरा नहीं बोलना, क्योंकि अल्लाह हदीस कुद्दूसी में फरमाता, हदीस नबी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुद्दूसी जो अल्लाह ने खुद डायरेक्ट फरमाया, अल्लाह फरमाता कि मेरे वलियों के बारे में अगर दिल में जरा भी बुग़्ज़ रखते चलो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह तुमसे खुला जंग का ऐलान कर रहा। तो अब बताओ जब अल्लाह तुमसे खुले जंग का ऐलान कर रहा, तुम अगर बुजुर्गान दीन को बुरा बोल रहे फिर कहाँ जाते, किसके पनाह में बचने वाले, कौन बचाने वाले तुम्हें, घुंघरा भांगरा जादूगर आके बचेंगे, शैतान आके बचेगा, इब्लीस, दुनिया वाले कोई नहीं बचा सकते। अल्लाह ने अगर आजाब में गिर लिया करोड़ों अब्जू की भी दौलत रही तुम्हारी, और मामूली आजाब में गिर लिया तुम्हारे, एक बीमारी डाल दिया मामूली, तो बीमारी को हटाने से तुम खा पी नहीं सकते, खाने पर पाबंदी लगा, हर मामलों पर अल्लाह की हुकूमत चलती है। पहले सुनने से ज्यादा अल्लाह अमल करने की तौफीक दे, बोलने को और बहुत कुछ है मगर आगे बताऊंगा। चलो ठीक है।